अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनमना क्षेत्र से, जहां नगर में 61वें श्वास, दमा, अस्थमा, स्नोफीलिया एवं पुरानी खांसी की चमत्कारिक दवा वितरण समारोह में हजारों का जन सैलाब उमड़ा है। उपरोक्त तथा कथित चमत्कारिक दवा एक ही खुराक दवा सेवन व परहेज मात्र से उपरोक्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्रतिवर्ष निःशुल्क वितरण करने वाले नाड़ी ज्ञान व आयुर्वेद चिकित्सा की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि अनेक मरणासन्न तथा डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित मरीजों को नाड़ी ज्ञान से शरीर में प्राण वायु पाकर श्रेष्ठ चिकित्सा के माध्यम से जीवन प्रदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उक्त चमत्कारिक दवा कार्यक्रम स्थल माधवाचार्य महाराज की तपस्थली माधवाचार्य आश्रम परिसर में, जहां सुबह 7 बजे तक वितरित होती रही, वहीं उसके बाद दिन भर रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय चमत्कारी औषधि प्राप्त करने वालों का तांता लगा रहा है। देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से श्री सरयू प्रसाद वैद्य जी का नाम सुनता था, और ये भी सुनता था कि साल के एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर निशुल्क दवाई का वितरण किया जाता है। वो चीज़ मैं आज आकर के देख रहा हूँ कि वाकई में यहाँ जो दवाई बांटी जाती है वह एक चमत्कारिक है। तमाम बैठे हजारों लोग जब अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि एक खुराक दवाई खाने के बाद दोबारा इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। निर्मला है मांडा से, मांडा इलाहाबाद, मांडा का नवा से। अच्छा, हाँ, तो एक परहेज नहीं करा, इतना सांस फूलत रही एक सांस नहीं फूलत, हम सब चीज खाई। कब दवा ली? नहीं बिकाई, बिना परहेज के नहीं, एक भी गोली भी किया नहीं खावा, हमारा सांस ठीक हो गया 5 साल। मैं श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को बचपन से जानता हूँ, और वो आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक हैं, उस पद्धति से वो चिकित्सा किया करते हैं। वर्तमान में जो आज चमत्कारी दवा का जो वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क वितरित की जाती है, इस दवा का तो चमत्कारिक लाभ है, क्योंकि मेरे समक्ष ही जब मरीजों से प्रश्न किया गया कि ये इसका इलाज जब आप लेते हैं तो आपको लाभ होता है कि नहीं लाभ होता है, हजारों की जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ हाँ इससे लाभ होता है। तत्काल ही त्वरित प्रतिप्रश्न किया गया कि लाभ जिनको न हुआ हो, मैं देखता हूँ आश्चर्यचकित हूँ कि एक भी हाथ नहीं उठता इस तरह का। इसका मतलब कि दवा के चमत्कार में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। रही बात राजनीति, राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं 75 से जानता हूँ श्री बैज जी को, ये जनसंघ के कार्यकर्ता है, इनको तो जनसंघ का संस्थापक ही कहा जाता है विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि जब दूसरी पार्टियों की सरकारी रहती थी, जनसंघ का कोई बहुत महत्व नहीं था, तब ये संघर्ष किया करते थे, और 75 में तो जेल की यात्रा भी इन्होंने की, ये भी मुझको पता है, क्योंकि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, कक्षा 8 का विद्यार्थी था उस समय। इतना जब इन्होंने काम किया है नाड़ी का, तो नाड़ी के बड़े मूर्धन्य प्रकांड व्यक्ति हैं, नाड़ी के तो मैं स्वयं मेरे सामने मेरे गांव का एक साहू का बेटा आया, जिसको डॉक्टरों ने कहा कि ये मृतक है, और वो बेचारा रोने लगा, मेरे पास आया, मैं वैद्य जी के पास लेके गया, श्री सरयू प्रसाद जी ने कहा कि नाड़ी देख के कहा कि भी तो जीवित है, प्राणवायु उसकी बची हुई है, और प्राणवायु के कारण अब ये इलाज देना पड़ेगा, इसने कहा इलाज दीजिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उन्होंने इलाज किया और स्वस्थ हो गया। मेरा ये कहना है कि इस तरह के व्यक्तित्व को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम कार्य किया है, उनको तो पुरस्कृत बहुत पहले किया जाना चाहिए। वर्तमान की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, मेरा आग्रह है कि श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।